अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रोजा खोलने की नियत हम सब को जानना बहुत ही जरूरी क्यों है, क्योंकि हम सब मुसलमान भाइयों ने रोजा रखा है और उस रोजे को खोलने की नियत हम सब को पता होना जरूरी है। रोजा खोलने की नियत भी मैं आपको बताऊंगा। और रमजान में एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपकी हर दुआ कबूल होती है, वह वक्त भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, रोजा खोलने की नियत तीन जुबान में आपके सामने लिखकर दिखाया जाएगा। जिन भाइयों और बहनों को रोजा खोलने की नियत मालूम नहीं है और नहीं पढ़ पाती है, तो वह इस वीडियो के जरिए हमारे साथ साथ रोजा खोलने की नियत को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, ये रमजान का महीना बरकतों वाला महीना होता है। रमजान का पहला अशरा रहमत का होता है और रमजान का दूसरा अशरा मगफरत का होता है और रमजान का तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोजा खोलने की नियत को, फिर उसके बाद हम आपको एक ऐसा वक्त बताएंगे जिस वक्त आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, यह वीडियो उतना ही ज्यादा मुसलमान तक पहुँचेगा। दोस्तों, सबसे पहले रोजा खोलने की नियत को हम जान लेते हैं। रोजा खोलने की दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज्क से रोजा इफ्तार किया। दोस्तों, तो आपने रोजा खोलने की दुआ पढ़ ली और उसके जरिए से आपने रोजा को भी खोल लिया। और रमजान में एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। जैसे ही आप मगरिब की अजान से पहले दस्तरखान बिछाएंगे, उस पर अपने खाने को रखेंगे और सब पूरा परिवार वहाँ बैठे हुए होंगे, उसके बाद आप अजान से दो तीन मिनट पहले जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह वह दुआ आपकी पूरी हो जाएगी। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जब दस्तरखान पर बैठे और अजान का वक्त हो, तो उसी दो या तीन मिनट पहले ही आपको दुआ को करनी होगी, तब आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी को आप अपने भाई बहन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो सब रोजा खोलने की नियत को समझ सके। रोजा खोलने की नियत जिनसे पढ़ी नहीं जाती है, वो इस वीडियो के जरिए हमारे साथ साथ रोजा खोलने की नियत को पढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई ऐसी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।